दावा किया, उसने सुपर पावर अमेरिका को कोरोना के फैलने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
चीन ने यह दावा किया कि अमेरिका के चलते ही पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस महामारी बन चुका है। चीन का दावा हैरान करने वाला था। उसने अपने दावों के समर्थन में कुछ तथ्य भी पेश किए और इसके चलते सुपर पावर कटघरे में आ गया। लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए सबसे पहले तो चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और उसके बाद इस जानलेवा वायरस को चीनी वायरस करार दिया। दो महाशक्तियां एक दूसरे पर कोरोना को लेकर ताबड़तोड़ आरोप लगा रही थी और इसमें ईरान और रूस ने भी जब शक की सुई सुपर पावर की तरफ घुमा दी तो सुपर पावर के लिए हालात और मुश्किल भरे हो गए। तो क्या वाकई में इंसान को ऐसा हथियार बना सकता है जो इंसानियत के लिए खतरा हो जाए, जो हथियारों में सबसे खतरनाक हथियार हो जाए और जो अपने दुश्मनों को तबाह करने का सबसे आसान जरिया हो जाए? और सबसे आखिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन है? और आशंका जताई जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई किसी मुल्क ने कोरोना वायरस के जरिए नरसंहार की साजिश के ब्लूप्रिंट तैयार किया? क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस धीरे धीरे दुनिया के सैकड़ों मुल्कों को अपने शिकंजे में जकड़ रहा है, जिस तरह से 199 मुल्कों में रहने वाली करोड़ की आबादी इस वक्त कोरोना काल के साए में जी रही है, जिस तरह से लाशों का अंबार लग रहा है, ऐसे में दावों की पड़ताल करना बेहद जरूरी है कि क्या कोरोना वायरस बायोलॉजिकल वेपन है, क्या धरती पर जैविक हथियारों से परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद तो मानो अमेरिका पर आरोप लगाने वालों की छड़ी लग गई। दावे तो बहुत किए गए लेकिन किसी भी मुल्क के पास पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन अमेरिका भी अपनी बात पर अड़ा रहा। सुपर पावर ने आशंका जताई कि कोरोना के ड्रैगन कनेक्शन का आखिर मिशन है तख्ता पलट। आखिर कैसे यूएस पर गिरे कोरोना की गाज, रूस दिलवाएगा सुपर पावर का ताज? आप देखिए। एक घातक वायरस जिसने दुनिया के तमाम मुल्कों को लॉकडाउन होने पर मजबूर कर दिया। एक जानलेवा विषाणु जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को जानो बना दिया। एक किलर वायरस के आगे दुनिया के ताकतवर मुल्क घुटनों के बल आ चुके हैं। लाइलाज बीमारी से पूरी इंसानियत पर खतरा मंडरा रहा है, उसे लेकर दुनिया के तमाम मुल्क ये आशंका जता रहे हैं कि इस किलर वायरस को सुपर पावर अमेरिका ने जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। अमेरिका पर जिन मुल्कों ने सीधा सीधा आरोप लगाया है उनमें शामिल है चीन, रूस, ईरान, लेबनान, इराक, फिलिस्तीन और जॉर्डन। सबसे पहले चीन, उसके बाद दुनिया के करीब करीब आधा दर्जन मुल्कों ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। चीन ने दावा किया कि अमेरिका ने उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए कोरोना वायरस को वुहान शहर में भेजा। कमोवेश रूस और ईरान ने भी चीन का साथ देते हुए अमेरिका पर इसी तरह के आरोप मढ़े। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार किलर कोरोना के लिए ड्रैगन को जिम्मेदार ठहरा रहा था, क्योंकि चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। वुहान को ही कोरोना वायरस का एपिसेंटर माना गया। लेकिन हर कोई जानलेवा महामारी के लिए अमेरिका पर उंगली उठा रहा है। दुनिया में फैले कोरोना वायरस के पीछे अमेरिकी साजिश करार दे रहा है। अगर इस थ्योरी में जरा सी सच्चाई है तो ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका पर ही कोरोना की गाज सबसे ज्यादा गिरी? क्यों किलर कोरोना ने सबसे ज्यादा अमेरिकी लोगों को अपनी चपेट?
आज सुपर पावर मुल्क कोरोना के आगे घुटनों पर आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस ने अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क में कोहराम मचाया है, वो सन करने वाला है। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में अब तक 104,277 मामले सामने आए, जिनमें से 1,704 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2,494 लोगों की हालत गंभीर है। इस वक्त दुनिया के 199 मुल्क में से सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केस अमेरिका में ही। इटली, स्पेन, चीन, ईरान और फ्रांस के बाद अमेरिका में कब कोरोना से मरने वालों की भी तादाद ज्यादा है। ऐसे में चीन और रूस समेत बाकी मुल्कों के अमेरिका के खिलाफ जो दावे हैं, वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि मुमकिन ये भी नहीं है कि अमेरिका पर शक जाहिर ना हो, इसलिए सुपर पावर ने अपने ही लोगों की कुर्बानी दे दी। क्योंकि हर अमेरिकी की जान काफी कीमती है, लिहाजा अमेरिका पर जैविक हमले के जो आरोप लगे कहीं ना कहीं वो भी संदेहास्पद है। अगर अमेरिका साजिश रचता भी है तो वो खुद इस वायरस की चपेट में नहीं आता, या फिर कोरोना वायरस से कोई ना कोई इलाज तैयार रखता, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।